चिल्ला रही है? ऐसे चिल्ला रही है जैसे पड़ोस के देश ने बम डाल दिया हो। बम नहीं, मैंने तुम्हारे गिलास में सोडा डाला। सोडा? सोडा क्यों डाली? नहीं तो क्या घासला डालने का था? अबे तेरी तो... नहीं मैं क्या कहती हूँ, तुम तो रोज ऐसे सोडा डाल के पीते हो। नहीं अरे बगर भेजे की खोपड़ी, ये ठर्रा नहीं है, इम्पोर्टेड विस्की है। तेरे बाप ने कभी देखी है? नहीं देखी। अरे इसमें सोडा डाल के पीऊंगा ना किक लगेगी ना घेर चढ़ेगा, सीधा रिवर्स गियर में टन 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 टन। अभी तुम तो रोज नई नई बोतल बदलते हो, तो मुझे कैसे पता चलेगा तुमको कभी किक लगता है, कभी गियर बदलते है, कभी टंटना टंटन होते है। ये मालूम होना चाहिए कि मर्द कब पीता है, क्या पीता है, कैसे पीता है, ये जानकारी रखना भारतीय नारी का सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी है, समझी? ये ले। ए पकड़। मैं ना छोटी थी ना तो रोज क्रिकेट खेलती थी। जैसे एक घर में दो किचन नहीं होते हैं ना, वैसे एक घर में दो ब्रेन नहीं होने चाहिए। अगर तेरी खोपड़ी में ब्रेन है, ये ब्रेन वाली खोपड़ी नीचे कर, ऊपर कर, इधर देख, कितना ही हे बे, इज्जत से बोल। अभी इज्जत से ही बोला है, वो बे वाला बे नहीं बोली मैं, हम लोग गुजराती में दो को बे बोलते हैं। तो हिंदी में बोल दो। और ये एक, एक और दो मिलाकर कितने हुए? तीन। नहीं चार। अरे अरे ये चार कैसे हो सकते हैं, दो और एक को मिलाकर तीन ही होते हैं ना। वो तेरे स्कूल के हिसाब से होता होगा, ये तेरा मर्द का हिसाब है। बोल एक और दो मिलकर चार होते हैं, बोल कितना? चार। या वेरी गुड। और आखिरी सांस तक हिसाब ध्यान रखना, समझी? अरे दरवाजा बंद कर। और सुन, ये नौकरी करने का जो तूफान तेरे मन में उठा है ना, उसको मन के अंदर समाधि बना ले, तो इस घर में समाधि बना दूंगा तेरी। अरे ये बंद करे सुन, कीप इट अप, नहीं तो ये घप सीधा। तू गलती पे गलती करती रहे और मैं पत्थर की तरह खामोश रहूं, तूने मुझे समझ क्या रखा है? आइंदा आइंदा अगर तूने कोई गलती की ना, तो तेरे को और तेरे मास्टर को ना रामपुरी जाकर घुसे खलास कर दूंगा। रबाक रबाक। देखो बोल देती हूँ मुझे कुछ भी करने का करो, रामपुरी चाकू से, रावणपुरी चाकू से, जो भी चाकू से मारने का मार देने का, लेकिन मास्टर के बारे में कुछ नहीं बोलने का, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, वो हमारे लिए हमारे घर के साई बाबा है। हाँ। साई बाबा? हाँ। हमारे घर का? अरे मास्टर ने तेरे को 2000 रुपए उधार दिया ना? अरे मेरे पीने का खर्चा नहीं एक महीने का, इतने से पैसों में हमारे घर का साई बाबा बनता है? तो मैं 10 साल से तेरे को पाल रहा हूँ, 4 बच्चों की माँ का टाइटल दिया हूँ, तो मैं कौन हूँ? लफंगा हूँ, लोफर हूँ, जोकर हूँ, तेरे बाप का नौकर हूँ मैं। आड़ा तेरा मुँह क्या कर रही है, सर लगा डबल एक्शन कर रही है क्या? एक थप्पड़ मारूंगा, मुंह का तबेला बना दूंगा, पैर काट के रोड पे फेंक डालूंगा और मुंडी काट के दरवाजे पे लटका दूंगा, समझी? सुन, आइंदा अगर तेरे मन में मास्टर का ख्याल भी आ गया ना, ये दोनों हाथ काट के सिग्नल पे बिठा दूंगा और वादा के भीख मांगना, बारह आना दे, 4 आना भी नहीं देगा कोई। चल बॉल अंडा ले क्या? किसका लाऊं, मुर्गी का लाऊं? नहीं हाथी का ला। अभी हाथी का तो अंडा होते ही नहीं है ना। ए बच्चा पकड़ो नंबर 1, शाबाश। नंबर 2 पकड़ो, दैट्स ग्रेट। ए छोटे पकड़, शाबाश। ए पकड़ो, वेरी गुड डैडी। ये तेरे लिए पकड़। कैसी है साड़ी? अरे एकदम मस्त साड़ी है, इतनी महंगी साड़ी तो मेरे माँ बाप ने भी नहीं पहनाई मुझे। ए तेरे माँ बाप का नाम मत लेना, ये तो एक पंच दूंगा ना दांत उखड़ के किचन में गिरेंगे। क्यों? याद है तेरे को नई नई शादी हुई थी हमारी, सुहागरात के दिन लुंगी लाई थी भीख मांग के पड़ोस से, पीछे से फटी हुई। अरे मर्द चाहे जितनी भी गालियां दे, मर्द मर्द होता है वो। तो देखो अभी मैं एक बात बताऊं, तुम गाली देते हो ना, जब नौसे में होते हो तो भी गाली देते हो, बाकी तो स्वभाव एकदम मक्खन जैसा है। जिंदा रहो ना एकदम। चल सिगरेट जला, चल। ठीक है। ओ, मैं क्या बोलती हूँ, ये जो सब सामान है, पैसे कहाँ से आते हैं, मर्द कहाँ से लाता है, ये पूछने का अधिकार औरत को नहीं है। तुम्हारा काम ये है कि हम जो कमा के लाते हैं उसमें झपटो, जैसा कुत्ता बिस्कुट को देख के झपटता है, समझे? क्या बो, बो। ये क्या है? कुत्ता। तू क्या कॉमेडी कर रही है मेरे सामने? नहीं मैं आपको समझा रही हूँ कि मैं समझ गई। कुत्ता।
ये पागलपन करेगी ना तो तेरा मुंह फोड़ कर दूंगा मैं, समझे? चल जला। हरा, ये क्या रख दिया मुंह में? सिगरेट मुंह में नहीं रखूंगा तो कान में रखूंगा। चल जला। मत रखो इसको मुंह में, मत रखो भाई। ज्यादा नखरा करेगी ना मुंह में बम लगा के उड़ा दूंगा तेरे को। वही तो कह रही हूँ मैं, उड़ जाओगे, उड़ जाओगे। चल जला। मैं कहती हूँ निकलो, निकलो इसको मुंह में से बाहर निकलो। मैं कहता हूँ जला, उड़ जाओगे। जला। भवानी पति 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 जला। पति 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 पति। विमला, अगर हमारा काम जैसा सोचा वैसा हो गया ना, हाँ? तो हम इस भूत बंगले को छोड़कर लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स में लोखंड का मकान बनाएंगे। अरे अरे लोखंड का मकान? ये इलेक्ट्रिक वायरिंग में लीकेज होगा तो करंट लगेगा। चुप चुप बोल और दुआ कर, अगर काम हो गया ना, हाँ? तो मैं राजा और मैं रानी। रानी नहीं, महारानी। अरे अरे क्या कर रही हो? चार जन्मों तक नहीं, सात जन्मों तक मैं ही आपकी पत्नी रहेगी। अरे सात जन्मों तक? तेरे सीरियल के लॉटरी पर हर बार मेरा ही नंबर लगेगा। फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, भगवान से बात करता हूँ, हैं? चलेंगे हैं? अबे उठ। अरे 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 मैं तो जा रहा रहा रहा। अरे रुक के, इसका भाई क्या है? अरे तो कौड़ी की औरत, तेरे को तो मैं। अरे अबू यार, अरे हट जा यार। ए क्या बोली मेरी बात तो सुन। क्या बात कर रही तू? तू मैडम की तरह नौकरी पर बंधन की जाएगी और मैं हिजड़े की तरह घर में बैठ के बर्तन मार दूंगा। ये क्या कर रहे हैं आप? आज सवाल जवाब के मूड में नहीं हूँ सिस्टर। इसका तो खून कर डालूंगा और इसका ब्लड ग्रुप का पता लगाऊंगा कि किस जानवर का खून है इसके अंदर। आज तुमने सोए हुए शेर को अपने बालों से झिझोड़ के उठाया है, आज तेरे को दुनिया से नहीं उठाना तो मेरा नाम क्या कर रहा है? अबे रुक, तू रवि छोड़ यार मेरे को तू। अरे कोई बचाओ। बड़ी आए मर्द और मर्दांगी की बातें करने, अपनी पत्नी के सामने एक सच बोलने की औकात नहीं है तुम्हें? अप्पू मेरे को मारती है, इसको समझाना यार। अंजलि, दिस इज टू मच, थ्री मच, मगरमच्छ, स्टॉप दिस मच 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 ऐसे। अरे मर्दों को कई परेशानियां होती है, इसका मतलब ये है कि वो हर चीज आके औरतों को बताएगा? रुको रुको रुको। अरे ये सारी की सारी आग वो सामने रहने वाली झुमरी की लगाई हुई है, हाँ। उसकी वजह से हमारा घर मैदानी जंग बन गया। एक दिन मौका देकर इसके घर की गैस लीक करो और माची जला के फेंक दो। हम किसी के बहकावे में नहीं आए हैं। आप मर्द लोगों से घर गृहस्थी नहीं चली तो हमने मजबूर होकर इस घर की दहलीज को पार किया है। आरा रा रा। कोई ना इनको अक्कल वाली घास खिलाओ। अगर हम लोग टाइम पे नौकरी पर नहीं जाते नहीं तो तुम्हारे बच्चे लोग ऐसे रास्ते पे भीख मांगते होते। खड़े रहे। मेरे जूते में डाल खाने वाली जबान चलाती है। मुंडी काट कर रखूंगा, पेट काट कर रखूंगा, टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। बच गई। काट के फेंकोगे? काटो काटो, मैं भी देखती हूँ, काटो। सिस्टर एक मिनट, ये नौकरी छोड़ देगी। तुम सारा कर्जा चुका दो, हम नौकरी छोड़ देंगे। ए यूं यूं दो महीने में सारा कर्जा चुका देंगे जी। चुटकियाँ बजाने से कर्जा नहीं चुकेगा, करके दिखाओ दो महीने में। ओहो पति को चैलेंज कर रही हो? हाँ यस। अच्छा देख लेना, पति की बात ना मानकर जो तुम नौकरी कर रही हो ना, एक दिन तुम खुद पछताओगी और तुम्हें खुद एहसास होगा कि हम सही थे और तुम गलत। और अगर तुम्हें ये पछतावा नहीं हुआ तो हम भी मर्द की औलाद नहीं। एक दिन तुम भी नहीं पछताए और तुम्हें भी ये एहसास नहीं हुआ कि तुम गलत थे और हम सही, तो हम भी भारतीय नारी नहीं। हम भी साबित कर देंगे कि हम भी बहुत कुछ करके दिखा सकती हैं। देख लेंगे। हाँ हाँ देख लेना। देख लेंगे क्या? हम तुम्हें दिखा देंगे। आरा रा रा। हम भी तुमको दिखा देंगे, जाओ। चैलेंज चैलेंज चैलेंज। यस चैलेंज। चलो ये लोग अंदर क्या कर रहे होंगे क्या मालूम। आज बहुत देर हो गई है। ओहो हम लोग को बहुत लेट हो गया। क्या कर रहे हैं डैडी? डैडी रवि अंकल और विजय अंकल रवि अंकल के घर में कुकिंग कर रहे हैं। क्या बात है, हमारे नौकरी मिलने के एक हफ्ते बाद ये लोग इतने बदल गए? अरे वाह। उसमें ऐसा ही नहीं, हम लोग कमाने को जाते तो वो लोग भी शर्माते होंगे ना फुकट में खाना खाने को। चलो देखते।
यार चावल में पानी डालूं या पानी में चावल डालूं? अरे अप्पू छोड़ यार, अगर आइटम अच्छा लगा तो हम और बच्चे दोनों साथ मिलकर खाएंगे। हाँ, और जो अच्छा नहीं बना वो कुत्ते को डाल देंगे। हाँ, अगर कुत्तों ने रिजेक्ट किया ना हाँ, तो ये खाना अपनी पत्नियों को खिलाएंगे। अच्छा तो आप लोगों की नजरों में हम कुत्तों से भी गए गुजरे हैं हा? अच्छा तो चुपके चुपके हमारी बात सुनी जा रही थी। हा? हाँ, सुन लिया हम लोग ने। तुम कितने कुत्ते टाइप के आदमी हो ने, वो मालूम पड़ गया। ये मुंह बंद करे तो मुंह तोड़ दूंगा। दाल में मसाला डालने की तमीज नहीं है हा? मगर मुंह से मिर्ची निकलती है, मिर्ची। ए, मैं दाल में मसाला डालूं या काला ग्रीस डालूं? पहले तू ये बता कि तू इतने बजे तक ठीक है। हम लोग बस में जा रहे थे तो एक बदमाश आदमी ने मुझे देख के ऐसी आंख मारी, उसको मैं ठिकाने पे लाई ना, इसीलिए हम लोग को देर हो गई। अच्छा इधर 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 क्या है? अपनी सड़ी हुई रोमांटिक लाइफ के सर पर हाथ रख के कसम खा, क्या उसने सचमुच तेरे चेहरे पे देख के आंख मारी? हाँ आंख मारी। अबे हराम खोर साले कमीने, 15 साल पहले आंख क्यों नहीं मारी बे? कम से कम ये मुसीबत तो मेरे गले न पड़ती। क्या बोला? और एक बात ध्यान से सुन लो, हम मर्दों को औरतों से खिचखिच करने का टाइम नहीं है। तुमसे किटकिट करने के लिए हमारे पास भी टाइम नहीं है। हा? ये क्या है हाथ में, ऐसे ऐसे कर रहे हो? ये चावल है, चावल। रा रा, ये चावल नहीं है, ये कौन की है? ये आदमी खाएगा ले तो पेट पे गड़बड़ हो जाएगी। और ये क्या है? ये सब्जी बनाने का तेल। मिस्टर ये तेल नहीं है, कैस्टर ऑयल है, एरंडी का तेल। इसे सब्जी में डाल के बनाओगे ना तो लूज मोशन हो जाएंगे, समझे? ये तो 100% नमक होगा गारंटी के साथ। 100% नमक? हाँ, चूहे मारने का सफेद हा? पाउडर है। हा? खाओगे ना तो सीधे ऊपर मारेगा क्या? ए, इसको खिला, खा तू। सुनो, औरतों का काम औरतों को करने दो। हाँ, मर्दों के बस का रोग नहीं है ये, समझे? ऐसी क्या देख रही है रे? तू समझ क्या रखी मेरे को? पीकर फेंकी हुई खाली बोतल समझ रखी क्या मेरे को, इस अप्पू खोटे को? हैं, फोन पे हुक्म चलाती है, या 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 या। एक महीना काम ने के इतनी चर्बी चढ़ गई और मैं सालों तेरे को पाला पोसा, मुझे कितनी चर्बी चढ़नी चाहिए, बोल। रेवाती रेवाती, ऐसे फोकट में खाना नहीं खिलाया मुझे। मैंने भी न दिन देखा न रात देखी, ऐसे ऐसे जानवरों की तरह काम किया मैंने तेरे लिए, तब जाके मुझे दो वक्त खाना खिलाया। करने का मेरे साथ बोल देती हूँ। बहुत बड़ा पहाड़ बना दिया तूने, इंडिया को अमेरिका बना दिया। अरे जा जा, तेरे जैसे मतलबी आदमी के लिए मैंने जितना काम किया है ने, उतना काम मैंने अगर इंडिया के लिए किया होता ने, तो कब से वाजपेयी जी ने मुझे दिल्ली से बुला लिया होता और 33% कोटा में से MP की टिकट भी दिला दिया होता। कितना कॉस्ट उठाया मैंने तेरे जैसे फालतू आदमी के लिए। तूने जब भी बुलाया मैंने आकर तेरे पैर दबाए, तूने जब जब दारू पी मैंने उसमें सोडा डाला, और यहाँ तो की जब जब तूने मेरे मुंह पे सिगरेट का धुआं छोड़ा है ने, मैंने उसकी बास को सेठ समझ के सूंघ लिया था। बोल बोल बोल, जितना बोलना है बोल, मैं तेरे थोबड़े की हिस्ट्री बदल दूंगा, देख ले। लोग तेरे इतिहास पूछेंगे तो बता नहीं पाएंगे, बताने लायक मैं रखूंगा नहीं तेरी तो। मेरे को धक्का मारती है आज तू तो खलास। रुक जा डैडी, मेरी माँ को हाथ लगाया तो दूंगा धोबी पछाड़। क्या बोला बे बकरी के बच्चे? ए बाबा, मेरी माँ को हाथ लगाया तो फोड़ डालूंगा। अगर तू फिर कहेगा तो सड़क पे मारूंगा। अबे अबे बहुत समझ के बैठते मर रहे बाप को। अब मैं समझा तूने बैट क्यों खरीद के दी इनको, अंदर ही अंदर पिल्लों की गैंग बनाकर मेरे खिलाफ भड़का रही है तू। अब मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, तेरे को कब कहां किस वक्त किस तरह उड़ाना है मैं डिसाइड करूंगा। अब सुन ना मेरे दिमाग का धमाका तेरी तो। अबे कुछ नहीं कर रहा बेटा, कुछ नहीं कर रहा, मैं अकेली मिलना।